मेरे को भी ले ले कैमरे में यार, ब्लॉगर भाई कैसे हो? अच्छे हो? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7, मैं और गुड्डू उठ चुके हैं। गुड्डू का भी मैंने मुंह धो दिया, मेरा भी धो लिया। आज तो मेहमान बन के आए थे ना, तो अंकिता भी जल्दी उठ गई थी। गाइस सामने भगवान जी का मंदिर है, आप दर्शन कर लीजिए भगवान जी। गुड मॉर्निंग गाइस, बच्चों की भाषा है तो भगवान समझ सकता है या इसकी मम्मी समझ सकती है, क्योंकि मम्मी को जरूर सब समझ में आता है, अपने को नहीं आता है, क्योंकि पता नहीं क्या बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे। कुछ भी मॉर्निंग वॉक नहीं है यहाँ पे, प्लांट लगे हुए हैं, हरियाली है, इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ, बाहर बैठी हूँ बहुत टाइम से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि पौधे सही में यार, ऐसा हमको मकान मिले ना तो हम कितने खुश नसीब हो कि पौधों के बीच, हरियाली के बीच हम रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम तो फ्लैट में चले। ऑक्सीजन भी मिलता है इनसे, मतलब अच्छा लगता है ना हमारे वीडियो बनाने के लिए, कितना मस्त लगे, मतलब इतना अच्छा लगता है ना यार। ये ऐसे तो होना भी चाहिए, किसी का भी मकान हो, पेड़ पौधे तो होना ही चाहिए। तो गाइज अभी उठ गए जस्ट, और भाभी जी अभी चाय बना रही है, मतलब बना नहीं रही है, भैया को दूध लेने भेजे है, तो भैया अभी दूध लेके आएंगे तो फिर हम बनाएंगे चाय। और इधर शिवम पढ़ाई कर रहा है क्योंकि आज इसका मतलब टेस्ट है आज। शिवम अच्छे से पढ़ाई करके जाना, खींच लेना आपको तनु, खींच ले इनको। ये डरती नहीं है क्या? हंस रही है। मेरे पिताजी बीमार हैं, रिक्शा ज्यादा नहीं चला पाते। पहले देखी तो डर गई थी डैडी से, लेकिन अब ये नहीं डरती, मैं डैडी से इसको कुछ उठाना पड़ रहा है। गाइस सुबह की चाय आ चुकी है मेरी और अंकिता की, और चाय के लिए नाश्ता है टोस्ट। जब एक कमेंट आया था कि आप अच्छे वक्त में तो हमें भूल जाते हो और आपका बुरा वक्त आता है तो हमें याद करते हो, तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमारा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो हम हमेशा आपको याद करते हैं। आप जो नए सब्सक्राइब हो शायद उनको पता नहीं है, लेकिन जो पिछले हमारे पुराने सब्सक्राइब है उनको सब पता है। और आप हमारे कोई से भी वीडियो को उठा के देख लो, अगर आपके लिए कुछ नहीं बोले अच्छा तो फिर आप कमेंट करना कि हाँ आप नहीं बोलते हो। भाई सामने से बोलने से मतलब बड़ाई नहीं होती है, हम पीछे से कितना आपके लिए बोलते हैं वो देखो आप। कल हम बैंक में गए तो हम वहाँ पे भी बात कर रहे थे कि हमारे 60 के फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, हमारे परिवार से भी बढ़ के हो है। हमारा फैमिली हमारा साथ छोड़ सकती है जो, लेकिन यूट्यूब फैमिली है ना वो कभी भी साथ नहीं छोड़ सकती है। गाइस हम लोग आपसे इतना खतरनाक अटैच हैं कि हम इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, अगर एक भी कमेंट खराब आता है ना तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और एक भी कमेंट अच्छा आता है तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपसे ऐसा रिश्ता नहीं है हमारा गर्ज वाला कि आप हमें देखते हो हम बड़े हो गए, ऐसा हमारा रिश्ता नहीं है, आपसे हमारा दिल का रिश्ता है। जो कि आप कमेंट करके बताते हो ना बहुत सही लगता है, मैं और बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं आपकी हर बात को, आप जैसे बोलते हो वैसे वीडियो आते हैं, आप जैसे बोलते हो वैसे मैं करता हूँ। हाँ कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं आप जो बोलते हो मैं करता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ। आप गाइज एक बार फिर बोलना चाहता हूँ आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और अब ब्लॉग मस्त मस्त आएंगे, और अभी हमारा पैसा आना चालू हो गया ना तो हम प्लान बनाएंगे कहीं बाहर घूमने का, कहीं अच्छी जगह पर जाएंगे। तो आप प्यार और सपोर्ट बना के रखो और हमें सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा, प्लीज़ लव यू गाइज। गाइज एक कमेंट आ रहा था कि आप मिठाई कब खिला रहे हो, तो मिठाई आप खिला रहे हो नहीं, हम साथ बैठ के खाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मतलब थोड़ा अच्छा यूट्यूबर बन जाएंगे, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना, तो एक दिन पार्टी दूंगा आप सबको बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है? काम क्या बात है। देखो गाइस कहीं भी जाओ आप, कहीं भी जाओ, लेकिन अगर काम करते हैं किसी की हेल्प करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। गाइस मैं अंकिता को एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि आप कहीं भी किसी के भी घर मेहमान बन के जाओ, आप उनके हाथ बटाया करो ताकि उसको भी अकेले को तकलीफ ना हो। शिवम तू इतना पतला कैसे? मुझे खाना पसंद नहीं है। क्यों? ऐसे ही। क्या पसंद है तुझे? मुझे कुछ नहीं पसंद। पसंद ही नहीं है कुछ? कुछ नहीं। और तू क्यों पतली है? मुझे तो खाना ही है तुझे? तो खाती रहती है। फिर भी मोटी नहीं होती? नहीं। ये मेरी जैसी है, मतलब इसको खाना पसंद है लेकिन मोटी नहीं होती। मैं मोटी नहीं होती हूँ, इसे मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। हेल्दी खाना खाती है? हेल्दी क्या, वो कभी कभी तो चॉकलेट, कभी कभी तो मारूंगी एक खाना। ये झूठ बोलता है ना? हाँ कभी कभी चाउमीन खाती है, तो फिर हेल्दी खाना नहीं हुआ ना, वो तो फिर वो तो टेस्टी खाना हो गया पूरा।
ये तो गलत बात है ना यार, तू मोटी नहीं है, ये तो गलती हो गई, भगवान बनाने वाले की गलती है, सही बात है ना, भगवान की गलती हो गई कि ये मेरी जैसी है, मतलब ये बोलती है कि मैं हेल्दी खाने भी चबाती हूँ दूसरे भी चबाती हूँ, लेकिन मैं बचपन से मोटी नहीं हुआ ना। हाँ अंकिता, मजा आ रहा है ना बच्चों के साथ में? बहुत मजा आता है, बच्चे होते हैं ना वहाँ पे तो मजा ही आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो, वीडियो को लाइक करना क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हाँ सब्सक्राइब भी करना। मेरे को भी ले लो कैमरे में यार, ब्लॉगर भाई। तो गाइस ये बोल रहा है कि मुझे सब बोलना आता है, कसम से भाई इसको सब बोलना आता है, देख लो यार कितना खतरनाक बोल रहा है, देखो मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा फिर भी सब कुछ बोल रहा है। अगर आप भी एक बार वीडियो बनाते हैं आपको पता चल जाएगा कि वीडियो बनाना कितना आसान नहीं होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो, अच्छे हो? अच्छा तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक करना, वीडियो बनाने के लिए ऐसे लगता है कि बहुत ध्यान होता है। क्या है, क्या है ये बोल रही है? सबको तो मोबाइल दिया, मुझे तो दिया ही नहीं। हाँ सबको मोबाइल ऐसे पकड़ा दिया, मेरे को तो दिया ही नहीं, ऐसे बोल रही है। तुझे नहीं मिलेगा, तू क्या मोबाइल को तोड़ देती है? नहीं रहने दे, नहीं रहने दे, तू भी ले। ये सब बच्चे टैलेंटेड, इनको बोलना आता, तेरे को नहीं आता अभी तक बोलना, पहले सीख ले तू। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. तो गाइस हमारा बन रहा है खाना, अंकिता और भाभी जी दोनों साथ में बना रही है, एक बेल रही है एक सेक रही है, सही है, पार्टनर मिल गया अंकिता को। तो गाइस हमारा खाना लग चुका है, रोटी और आलड़ी की सब्जी। तो गाइस हम खाना वाना खा लिए और अभी जस्ट जा रहे हैं भाभी जी, लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा काम कर रही है, गवार का फाटा काट के दे रही है हमें, क्योंकि अंकिता के कभी कभी धब्बा दिख जाता है यहाँ पे, मतलब जब धूप में जाती है कहीं भी होती है ना तो यहाँ थोड़ा सा धब्बा दिख जाता है, क्योंकि एक बार इसके लग गई थी यहाँ पे तो दिख जाता है कभी कभी, वैसे तो नहीं दिखता लेकिन दिख जाता है फिर भी लगा। हाँ तो एक तो इसको तो हम उगाएंगे वहाँ पे, घर पे जाके प्लांट लगा देंगे इसका, तो ये उग जाएगा और इसको लगाने के लिए लेके जा रहे गाइस। गाइस हमारी क्यूटी पाई तो सो गई, भाभी जी मिलते हैं फिर बाद में आपसे जल्दी। अरे ले, 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 ले। रख ले भाई, हम तो इंतज़ार करते थे पहले। हाँ रख ले, रख ले, रख ले, हाँ 50-50% कर लेना दोनों बहन भाई, ठीक है भाभी मिलते हैं, भाई साहब को राम राम बोलना हमारा। तो गाइस सबसे बाय करते हैं भाभी जी से, सबसे और अंकिता में निकल रहे हैं अब यहाँ से, गवार का फाटा ले लिया और भाभी जी ने चुनरी भी उड़ा दी अंकिता को, जहाँ पे जाते हैं ना कुछ उड़ा ही देते हैं यार, तो चुनरी उड़ के जा रहे हैं गाइस अभी। और दिनेश भाई तो गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने गए, और स्कूटी भाई सो ही रही है और शिवम भाई से मिली लिए। तो गाइस अब डायरेक्ट कहीं रास्ते में अच्छी जगह होगी तो खाएंगे पिएंगे या फिर कुछ बैठेंगे या रील्स बनाएंगे, वहाँ पर मिलते हैं आपसे या फिर डायरेक्ट हमारे घर पर। तो गाइज अभी जस्ट जा रहे हैं, हेलमेट है अंकिता के पास और सामान है। गाइज हमेशा आप कहीं भी जाओ रास्ते में हेलमेट साथ में रखा करो, ताकि आपको पुलिस वाले भी परेशान नहीं करें और अपनी खुद की भी सुरक्षा है हेलमेट रखने से। गाइज तो चल मेरी रानी। गाइज 40 किलोमीटर का सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है और 10 किलोमीटर बचा है, लेकिन अंकिता बोल रही है बहुत तेज़ प्यास लग रही है, खाने का तो मन नहीं कर रहा हमारा कुछ भी, तो हम सोच रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम खा लेते हैं और पानी वानी पीते हैं। गाइज तो अभी हम जस्ट आ गए होटल में, कचौरी समोसा तो नहीं खाना है ना? हाँ मेरा पीने का, पीने का मन कर रहा है ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं या आइसक्रीम खाना है? पेटी जी ले ले, भूख लग रही होगी या नहीं कर रहा मन? नहीं कर रहा तो पहले कोल्ड ड्रिंक पी ले, फिर जाते जाते आइसक्रीम खा के चलना। सुबह से नहाए नहीं है ना तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल बाल पता नहीं कैसे हो गए, और अभी कोल्ड ड्रिंक ले लिया हमने, फिश दोनों फिश पी लेते हैं, जाते जाते हैं आइसक्रीम खा लेंगे, क्योंकि खाने का तो कुछ मन हो है नहीं, और हल्का खा लेंगे ताकि वो पेट भी नहीं भरेगा उससे और मन भी ठीक हो जाएगा। यहाँ से 10 किलोमीटर है हमारा घर, तो अभी पहुँचने वाले हैं गाइस, खा पी के निकलते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अंकिता बोल रहे कुछ नहीं खाएंगे अब, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से पेट भर गया, तो अभी चलते हैं घर पे। हाँ गाइस
तो गाइज गाड़ी कर दी पार्किंग, हम पहुंच गए फ्लैट के जस्ट नीचे, तो चलते हैं अंकिता जी। गाइज दोपहर के बज रहे 3, तो हम नया चैनल क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी बने रहो मैं उसको लेके आता हूँ और स्क्रिप्ट लिखने की सोच रहा हूँ, कोई अच्छी सी नई स्क्रिप्ट रक्षाबंधन पे या कुछ, तो आप बने रहना। अगर प्लान सक्सेस होता है तो आपको बहुत ही जल्दी अच्छी सी वीडियो मिलेगी, तो आप हमारे एक एक ब्लॉग को देखा करो प्लीज। और आप इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं इतना खतरनाक मोटिवेट हूँ ना, अब मैं आग लगा दूंगा वीडियो में, खतरनाक खतरनाक वीडियो आएंगे। बस आप है ना ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप इतनी अच्छी सी कमेंटें करो, बस लव यू गाइज, लव यू, लव यू गाइज। भाई आ गया हमारे घर पे, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए नाश्ते के लिए, भूख लग रही थी अंकिता को, तो मेरे को भी लग रही थी, सुबह में जल्दी खाना खा लिया ना 9 बजे। हाँ लिए थे फिर सो गए, मैं तो नहीं नया अंकिता नहीं थी। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Guys, शाम के 7 बज गए, वो भाई भी उसके घर गया, मैंने स्क्रिप्ट बोला था ना कि स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट हमने आधी तैयार कर दी है और देखते हैं रक्षाबंधन से पहले पहले लाने की कोशिश करेंगे। अभी चैनल क्रिएट नहीं किया हमने और पूरा प्लानिंग नहीं बना, बस स्क्रिप्ट हमने लिखी है कि देखते हैं क्या होता है, टाइम मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। अंकिता बना रही है मस्त खाना और मस्त खाने का उदाहरण आप देख सकते हो रोटी। अंकिता अभी तक रोटी बनाना नहीं सीखी यार, अभी तक भूख लग रही है, बहाना बना लिया बस भूख लग रही है। गैस इधर से अच्छी सेक दिया तो ये पीछे से क्या हाल कर दिया रोटी का, प्लीज इसको सिखा दो यार। और देखो आटा लगाया तो इसने पूरा आटा भी यहाँ पे लगा लिया, ये देखिए यहाँ पे पूरा बन रहा है, मेकअप हो गया था आटा को। अंकिता की बेइज्जती कर दी, जुम्मन रोटी मस्त बनाओ जो कदे कदे बढ़ जाओ जो तू, ये गैस ना थोड़ा तेज कम करा कर, कमेंट भी आए थे एक सिस्टर का तेरे कि ना गैस को कम करके रोटी बनाया कर, धीरे बनाया कर आराम से ताकि खाना सही बने, कोई नहीं आराम से बनाया कर। गाइस मुझे सोचती फटाफट फिर जाए, हाँ और मुझे भी भूख लग रही है तो पहले मुझे खिला दे बाद में तू खा लेना। गाइस एक प्रॉब्लम और है, चलो कहीं जाता हूँ तो पीछे नहीं छोड़ती है, कहीं कुछ करता हूँ तो मेरे साथ रहती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी खाना भी इसी के साथ खाना पड़ता है। क्या ही बताऊं, अभी मैं खा रहा हूँ खाना, नहीं मैं खा रहा हूँ, भूख लग रही है मेरे को, गाई अभी मैं खाना खा रहा हूँ, ये भूख लग रही है भाई मेरे को, भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता हूँ फिर बाद में खा लेगी। आज के खाने में रोटी और लौकी आलू की सब्जी और छाछ। गाइज मैंने तो खा लिया खाना और अंकिता खा रही है बना के। गाइज आज तो जल्दी खाना खा लिया था 7 बजे, नहीं तो हम कभी भी 7 बजे खाना नहीं खाते, हम हमेशा 9, 10, 11 बजे खाना खाते हैं। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, मैं सर अंकिता तो बाद में खा लेना, मैं तो खा लेता हूँ। तो अभी सोने वाले थे लेकिन हम 2-3 गेम खेल रहे थे मस्त, वो गेम के बारे में बताएंगे ना आपको, बहुत मजा आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में वो गेम खेलेंगे हम, तो आप देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा और आपको भी पता है कि हम कितने खुश नजर आ रहे हैं आज, क्योंकि हमारा पेमेंट मंडे को आ जाएगा, ये इस महीने का, वो 2 महीने का तो नहीं आएगा, पर मैं 2 महीने का पेमेंट को भूल गया हूँ कि वो आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस महीने का आ जाएगा, मतलब मुझे अब नेक्स्ट पेमेंट मिलता रहेगा, अब हर महीने का पेमेंट मुझे मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर का खर्चा चल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा अब तो। और थैंक यू सो मच गाइज, आपकी वजह से सब पॉसिबल हुआ। तो गाइज आप तो वहां से आए थे तो बहुत तेज थक गए थे और अभी खाना वाना जस्ट खा लिया है और अभी हम सोने वाले हैं, मस्त हम एडिटिंग करेंगे, मैं तो बहुत जोर से थक गई, मेरा तो सिर भी दुख रहा है, तो गाइज अभी सो जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब करना, और ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।